याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। मीनू को कौन भूल सकता है, वो मिट्टी की नहीं मोहब्बत के नमक से बनी थी। घुल कर खत्म हो गई, लेकिन किसी से बेवफाई नहीं की उसने। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। कहना है? जी जी। कितना प्यारा है, बिल्कुल मीनू पे गया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हादी बाबा के लिए सामान भेजा है, तो आप अपनी बड़ी बेगम साहिबा से कहना कि अगर हादी बाबा से इतनी मोहब्बत है तो उन्हें ले क्यों नहीं जाती? क्यों मेरे सर पे अजाब की तरह मुसल्लत किया है उसे? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हो रहे होंगे, लेकिन मिल तो ले। मिलूंगा मैं तुमसे बाद में, पहले ये बताओ यहाँ आई क्यों हूँ और किसके साथ आई? कौन है ये? याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। इसकी वजह से आप मुझे वक्त नहीं दे पाते। इसे कितना अच्छा अंदाजा लगाया था ना मैंने कि आप कभी भी अपने माजी का पीछा नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते आप इस औरत को। कौन है ये लड़की? उसकी मंगेतर है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन इतने हक से तो उसे बीवी ही आ सकती है। तो क्या एमर ने शादी कर ली? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था, दीवानों की तरह। कैसे किसी और से शादी कर सकता है? भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। मेरा तो आपकी हर चीज से दिल लग जाएगा। आप बताएं आपका क्या होगा, क्या है आपके पास दिल लगाने के लिए? छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। चले मान लिया मेरे वाला रिश्ता तो आपके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था ना, तो तोड़ डाले ना। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी।
अहमद, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, आप एक बार मुझसे कहते ना खुदा की कसम, मैं खुदा आपके रास्ते से हट जाती, मैं ना करती कुछ। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना, तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे, खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे, वापिस बिछड़ा बिछड़ा ला दे कोई, लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई, बेड पर लेट जाओ, बस झगड़ा खत्म और नहीं लड़ोगी। मैं कब लड़ी हूं आपसे? लड़ा तो उनसे जाते ना जिन पे आपको कोई हक हो। आपने तो मुझे कभी कोई हक नहीं। अच्छा, मेरी होने का कोई हक नहीं दिया मैंने। कागजी कार्रवाई है आज है तो कल नहीं। ठीक, तो तुम्हें पामिस्ट्री भी आती है, ये बात है तो ये देखो मेरा हाथ, बताओ। देखो बताओ, इसमें दूसरी शादी है? हाथ देखो, वो क्या देख रहे? जाके उसी से पूछ लें। तुम जानती हो आज तुमने पहली बार अपनी बीवी होने का हक जताया। निशा को यहां देखकर तुम परेशान हो, पता नहीं क्या बुरा भला होने लगा। पहली बार तुमने मुझे छोड़ देने की धमकी भी दी। धमकी तो नहीं, अरे बात तो की ना, पर मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे जानती कितना? पता नहीं, वही कॉल करी ना। नहीं, उठाओ और उसको बताओ तुम्हें दीजिए। मैं क्यों करूं, आप बात करें, और ये ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे से। अच्छा ये सब छोड़ो, तो मुझे बताओ तुम मुझे कितना जानती हो? अरीज, अगर तुम मुझे इतना सा भी जानती हो तो बहुत अच्छी तरह जानती होगी कि मैं एक बार जो रास्ता छोड़ता हूँ दोबारा उस पर नहीं जाता, और निशा को मैं 2 साल पहले छोड़ चुका हूं। उसकी मेरी जिंदगी में, मेरे इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। अब यही सच है और मैंने तुम्हें बता दिया, इस पर यकीन करना ना करना तुम्हारे हाथ में।
कर रहे हैं आप मुझसे? दरवाजे के साथ लगकर बैठ जाऊं, आपका इंतजार करती रहूं कि साहब आएंगे तो फर्श सलाम पेश करूंगी? असफन, मैं आपको किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी। और इतनी इतनी छोटी सी बातों पे आप मुझसे सवाल करेंगे कि कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? मैं आपकी जिंदगी में जरा भी इंटरफेयर नहीं करती, तो आप क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि कहाँ है, क्यों है? तुमसे नहीं, तुम्हारे इस घर, स्टेटस, चारों स्ट्रक्चर से मोहब्बत करती है। इसका तुम्हें बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी वो खूबखर्च और बेहेज बीवी जो अपनी बहन तक का ख्याल नहीं कर सकी, वो तुम्हारे बच्चे को पालेगी? ठीक कहा था आपने, पछता रहा हूं मैं। हीरे को छोड़कर पत्थर खरीद लाया। ये आप क्या कह रहे हैं कि इस बार एक भी टेंडर हमारी कंपनी को नहीं मिला? ये कैसे मुमकिन है? समीर सुभान से मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मतलब तो साफ है कि वो हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहते। ये जरूर उसके नए बिजनेस पार्टनर की हरकत है। अहमद अजीज की बात कर रहे हैं आप? लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, हम तो उन्हें प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। आप फॉरन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करवाएं, हमें उन्हें बताना है कि उन्होंने हमारे साथ नॉन प्रोफेशनल हरकत करके कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है सर, आप परेशान ना हो, मैं कल ही मीटिंग अरेंज करता हूँ। तो चली गई थी ना, वापस आ गई? मायूसी हो रही है मुझे देख के। तुम्हें देख के मैं मायूस क्यों होंगी? तुमसे मिलने तो नहीं आई, मैं तो अहमद से मिलने आई। लगता क्या है मेरा आपका? मुझे भूल गई हूँ या फिर अहमद ने ठीक तरीके से तारुफ नहीं करवाया मेरा। मैंने तारुफ तो बहुत अच्छा कराया मेरा, कह रहे थे कि तुम वही कजन हो जिसने अपने सगी बहन के शोहर से शादी करी। काफी शर्मनाक तारुफ है वैसे। और आपका तारुफ क्या है, क्या लगती है आप अहमद की? मैं बीवी हूँ अहमद की। जायज और कानूनी बीवी तो इंसान किसी को भी बना लेता है, मोहब्बत तो नहीं होना। मोहब्बत तो आज तक अहमद सिर्फ मुझसे ही करता है। तुम्हें तो पता है ना कितनी पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। पागल थे,
अल्लाह का शुक्र है आप ठीक। तुम्हारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? भला इंसान अपने दिल से अपनी पहली मोहब्बत मिटा सकता है क्या? आज भी टूटकर चाहता है मुझे। निशा तुम किस किस्म की औरत हो? अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा लोगों की जिंदगी खराब करके? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूं लेकिन शायद तुम अपने औकात भूल रही हो। औकात पहचानो। अपनी बकवास ना अपने पास रखो और सामने से क्यों हटूं? हाँ क्यों हटूं? जिस अहमर के पीछे तुम बार बार आ रही हो वो अपने दिल से तुम्हारा हर एक नक्श निकाल चुका है। जबरदस्ती उसकी जिंदगी में कोशिश मत करो घुसने की। दोबारा इस दरवाजे पर नजर आएगा तो अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम अहमर के घर गई हो ना? क्यों गई हो? मेरी मर्जी। मेरा कजिन है, वो जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ। कजिन या एक्स मंगेतर? ऐसे बुरा नहीं है। एक तारुफ ऐसे नाकाम आशिक का नहीं। क्या करने गई थी तुम वहां? क्योंकि अभी तक इनका दिल नहीं भरा दूसरों की जिंदगी खराब करने से। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आते कि आपसे अपनी बीवी संभाली क्यों नहीं जाती? क्या करने आती है यहाँ पे आधी आधी रात को अहमर के पास? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में मेरे शौहर के सामने इस तरह से बकवास करने की? हाँ अरे मुझे तो तुम्हारी हिम्मत पे हैरत हो रही है निशा। कोई शर्मनामी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? करने क्या आती हो तुम यहाँ पर बताओ मुझे। बकवास बंद करो अपनी। निशा चलो यहाँ से। सच हमेशा कड़वा होता है। बराए मेहरबानी अपनी बीवी को संभालिए आप। आप काइंडली तमीज से बात करें। खुदा की कसम मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। एक और बात मेरी सुन लीजिए। वो मिशा थी जो खामोशी से आपकी जिंदगी से चली। मैं अरीज अहमर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मार भी सकती हूँ मैं। मुझे मारोगी तुम? मुझे मारोगी? मैं देखती हूँ कैसे मारोगी। मारो निशा, चलो मारो निशा, चलो यार। मुझे मारोगी? तुम ही कहती थी कि मीनू को मेरी कदर। मैं तो तुम्हारे जैसी बीवी डिजर्व कर रहा हूं। गलत कहती थी ना? और अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी क्योंकि मैं पछता रही हूं आपसे शादी करके। तुम? हाँ पछता रही हूं। और अब आजाद होना चाहती हूं। पप्पू आप परेशान मत हो, मैं 15 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं।
आप हौसला रखें। इसे हौसला करो बेटा, तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ के बैठ गए, अस्पताल में नहीं जाना चाह रहे। समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। पप्पा बिल्कुल परेशान मत, मैं डॉक्टर को लेके सीधा आपके पास आ रहा हूँ, आप बस पप्पा जान के पास रहे। जल्दी से आना बेटा। जी उसे दिल की हालत देखी नहीं जाती, मेरा दिल बैठा जा। जब मैंने तुम्हें इतनी बार कहा कि ये शख्स मुझे सख्त नापसंद है, तुम क्या करने जाती हो, क्यों जाती हो? मैं आपकी पसंद और नापसंद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरी अपनी भी जिंदगी है, अब मेरी मर्जी, मैं जिससे मिलूं जिससे ना मिलूं। आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, बीवी हो तो मेरी। बीवी हूँ आपकी, लेकिन मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू होती है, मुझ पर ही खत्म। मुझे नहीं सुनने आपके फलसफे, मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से। हसबैंड इन्हीं बातों की गुण गाया करती थी, तुम ही कहती थी कि मीनू को मेरी कदर, मैं तो तुम्हारे जैसी बीवी डिजर्व कर रहा हूँ। गलत कहती थी ना, और अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी, क्योंकि मैं पछता रही हूँ आपसे शादी। पछता रही हो तुम? हाँ पछता रही हूँ, और अब आजाद होना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कैसा पूछ? मतलब ये कि मुझे तलाक चाहिए। तुम होश में तो हो? हाँ होश में, और खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दे। अब किसके लिए छोड़ दी तुम्हें? हाँ बाकी दोबारा तुम एनर के पास चले जाओ, इसलिए जिसके पास भी जाऊं वो आपका मसला नहीं है। मैं बस आपके साथ अब नहीं रहना चाहती, मैं एक मिनट आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझती क्या अपने आप को? तुम्हारा जब दिल चाहेगा तो मुझे अपना लोगी, जब दिल चाहेगा छोड़ दोगी। नहीं निशा, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं, लेकिन मैं पहचान गया हूं बहुत अच्छी तरह। अपने उस आशिक को जाके कह दो कि आज की तारीख में हद से दफा हो जाए, वरना मैं तुम दोनों का वो अशर करूंगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। की हार्ट बीट बहुत स्लो है, जो मैंने टेस्ट लिखे इन्हें फौरन करवा ले तो ज्यादा बेहतर है। जी डॉक्टर, फिलहाल तो मैंने इनको मेडिसिन दे दी है, ज्यादा बेहतर यही है कि आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, इनका घर पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना मुमकिन नहीं है। ठीक है डॉक्टर, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करेंगे। ओके मैं चलता हूँ।
इनका बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। और मैं प्लीज आप इनका ख्याल रखें। ऐसे खामोश तो ना रहे, कुछ कहिए ना, कुछ बोलिए तो सही। आप ही के दम से तो इस घर में जिंदगी है, उन्हें तो ये पत्थर की दीवारें मुझे खा जाए। या अल्लाह, मेरी जिंदगी भी इन्हें लग जाए। या अल्लाह, तुम्हें अपनी सामान में रखियो। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या बोल गई मैं ये मुतरना तो अहमर को 1 की 10 लगा के बताएंगे। इतनी जहर लगती है तो आधी रात को अपने घर को लाके क्यों बिठाए। मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है कि मैं भाभी को कुछ ना बताऊं। क्या हुआ आपको, तुम जा रही हो क्या? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलना है? ना गुस्सा क्यों कर रही है बीबी? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में मत बोला करो, क्यों बोलती हो, क्यों सवाल जवाब करती हो? साहब आ जाए ना अगर तुम्हारे, तो उन्हें बता देना कि मैं जा रही हूँ। आप जहाँ जा रही हैं बता तो दें मुझको। अहमर के पास सामान पैक करो उसने। आप आ जाती हैं, रुक जाते, पता है कि मैं दिल बहुत घबरा रहा है आज। तुम्हारे आने से बड़ा हौसला मिला है मुझे, वरना मैं तो परेशानी के बारे मर जाती। पप्पू प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं आ गया हूँ। तो तुम रुक रहे हो ना मेरे पास? जी मैं रुक रहा हूँ। लग तो दुनिया जहान की नींद में अदा करें। बस एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे अरीज को यहाँ लाना होगा, वो वहां अकेली है, डर जाएगी। अरीज कौन? बीवी है मेरी। बीवी है तुम्हारी? शादी कर ली तुमने? जी। अरे मुबारक हो बच्चा, बताए क्यों नहीं पहले? बहुत बहुत मुबारक हो, जल्दी से लेकर आओ ना मेरी बहू को यहाँ पर। क्या करूँ उसके लिए तो बहुत इंतजाम करना पड़ेगा। क्या खाती है शौक से? सबकी जरूरत नहीं, अरीज एक सादा लड़की,
बड़ी सिंपल, कोई बनावट नहीं है उसमें, बस प्यार और इज्जत चाहती है। अच्छा, तो बस मैं चाहूंगा उसको वो मिले इस घर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वैसी लड़की मिल गई जिसे तुम डिजर्व करते थे, है ना? नहीं, खुशी हो रही है मुझे। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू। जी बीबी, कॉफी कहाँ रखी है? कॉफी तो खत्म हो गई है। खत्म हो गई है और तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि घर में कोई चीज खत्म हो रही है कि ले आऊं? तुम्हारा काम है, किसका काम है? जाओ लेकर आओ अब जल्दी। मैं अभी ले आती हूँ, आप ऐसा करें कि हाजी बाबा को संभाल लें। मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं संभाल सकती इसे। जाओ साथ लेके इसे। अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ये ठीक है, पहले दिल खोल के जलील कर लो और फिर फोन भी करो। लगता है एमर भी मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है एमर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। यार अरीज, क्या मसला है? जल्दी नीचे आओ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, दोबारा कॉल नहीं करूंगा मैं। पहले बताएं आप मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? एयरपोर्ट? देखिए एमरी, मैं आपको बता रही हूँ मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास तुम्हारी बकवास बातों का टाइम नहीं है, सो इसलिए जल्दी आओ क्योंकि हमें जाना है। रिलैक्स हो जाए, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें अफवाह कर रहा हूँ। कब से पूछ रही हो, आप मुझे बता भी तो नहीं रहे। यार एक तो तुम हर वक्त जल्दी में रहती, किस बात की बेचैनी होती है तुम? आपको जानने की मैं थोड़ा पल में भाषा इतनी कब से बनाएगी मुझे आप? और मुझे जानना क्यों चाहती? दिमाग खराब है? हाँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, दिमाग तो खराब है, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि दिमाग अभी खराब हुआ है कि बचपन से ही ऐसे? क्यों, मुझे क्या हुआ है? सही कहा तुम्हें, कुछ नहीं।
क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई, जरा जोर से बोले। क्या एवरेज लुकिंग हो तुम, यू नो दैट, ऊपर से बहरी भी हो। मुझे ये जानना है कि मेरा पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एवरेज सी शक्ल, खुद तो बड़े टॉम क्रूज है ना जैसे। टॉम क्रूज देखे, अगर कोई अच्छी बात नहीं बोलनी होती ना तो कोई बुरी बात ही मत बोली। नहीं भी ठीक, नहीं भी ठीक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ इतनी देर कर दी तुमने, मैं तो परेशान हो गई थी, फोन करने वाली थी अभी तुम्हें। ये क्वेश्चन आप इनसे पूछे, इनकी वजह से मैं लेट। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बस से बचाए, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अरे क्यों, हम लोग बैठो ना, चलो आओ। फूफो ये मैं कुछ लेकर आया था। ठीक है, क्या ख्याल है फूफो, जरा सा कुछ पका नहीं सकते खाना माना? ऐसी बात नहीं है, मैं बस वैसे ले आ रहा। मुझे दे दे, मैं हेल्प कर देती हूँ। इसकी सुनो, पहली दफा मेरे घर आई, मैं इससे काम कराऊंगी। वो कहने का मतलब है नेक्स्ट टाइम आओ तो खुद किचन में चली जाना। हो, मैं बेटी हूँ जैसी हूँ मैं उनकी, बल्कि बेटी हूँ मैं उनकी, लाइए। आपने कभी समंदर में डूबते हुए इंसान को देखा है? वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि वो बच जाए, वो अपने हाथ पांव चलाता है, अपना पूरा जोर लगा देता है जिंदा रहने के लिए। मैं भी तो वही कर रही हूं ना, आप नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं मैं? मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चाहो तो समझाना, याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना, याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना।